So, haben wir hier dann Kaufmann im Außenhandel, Kauffrau für Büromanagement, Altenpfleger und Maurer. Eins. First में क्या आएगा? स्टूडेंट घर पे ही तो पढ़ के आए हो ना। ओके अंतेश पढ़ दो इसको फर्स्ट वाले को पॉइंट को ऑर्गेनिजियट Außerdem hat man auch manche technische Praktiken, so zum Beispiel in Marketing und Verwaltung. Man arbeitet in der Verwaltung von Unternehmen oder im öffentlichen Dienst. Ausbildungszeit 3 Jahre. ओके आल्सो हियर ऑर्गेनाइज्ड एंड बेयरबाइटेड ब्यूरो ऑफ गार्बन मतलब ऑफिस रिलेटेड जो भी टास्क हैं वो आपको ऑर्गेनाइज करने होते हैं और काम करने होते हैं मतलब आउसडेम हार्टमान काउफ मेनिशिया टेटिश काइटन मीन्स जो भी एक काउफ काम होते हैं वो सब काम आपके भी हैं सुम बाइस्पिल मार्केटिंग फरवाल्टुंग फरवाल्टुंग इज मैनेजमेंट मार्केटिंग इज मार्केटिंग मान आरबाइटेड इन देर फरवाल्टुंग फोन उन्टरनेमन उन्ट इम ऑफेंटलीशन डिंस्ट और आपको पब्लिक चीज़ें भी डिंस्ट मीन्स सर्विस ये सब आपको देखना होता है सो किस में आएगा ये स्वाई काउफ स्वाई स्वाई या काउफ फ्राउ फ्यूर ब्यूरो मैनेजमेंट ब्यूरो मैनेजमेंट क्योंकि ये ऑफिस मैनेज करने वाली चीजें हैं सारी ओके मनीष स्वाई बाउटे माउशन आउट से अबाउट मावर्न टाइलन ओल्डर आनलन टाइलन सुम बाइस्पिल इन बाउ हाउस बाउ हाउस बाउ मान आर्बाइटेड आउट बुस्टेलन बाउ स्टेलन बाउस्टेलन ऑस्पिटल ड्राई आ रहा इन इंडस्ट्रियल ओल्ड या ओके फिर आएगा इसमें माउरर 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 मैसन जो मकान वगैरह बनाता है मिस्त्री सो बाउट माउरन दीवारें बनाने का काम आउस स्टाइल उन्ट आंदर स्टाइलन स्टोन और दूसरे पार्ट्स जो भी काम में लेने होते हैं चीजें मटेरियल ओके क्लार उन डन जोसेफ ग्राई Kaufwaren in Verkauf, Elevator and Handel, Handwerk und Industrie, Ausbildungszeit, ड्राई आ रहे है सो हियर वॉज पास्ट आइंस काउफमान इम आउसन हैंडल मतलब बाहर शॉप से बाहर जाके लोगों से मिलना क्योंकि फरकाउफ्ट जी अन अन हैंडल आगे लोगों को बेचना होता है कंपनी का सामान जाके आगे जगह दूसरे छोटे दुकानदारों को बेचना है हैंडवेयर की इंडस्ट्री ये सब सो बाहर हैंडल करेगा तो आउसन हैंडल हो गया वो ओके अभिषेक ओके जो दस इज डन आल्टन फ्लेगर एल्डरली लोगों को सीनियर लोगों को हेल्प करना हिल्प्ड एल्टरन मेंशन उन फ्लैट जी एंड केयर यू केयर देम ओके सर पार्ट्स
Verzorgen. Den alten Menschen im Alltag und versorgt sie bei Krankheiten. Sorgen का मतलब केयर करना ही है. Verzorgen. Verzorgen. Especially जब बीमार होते हैं तो उनकी चिंता करना. Verzorgen. So these words. Alten Pfleger. Zwei. Die Deutsch Kenntnisse. Kenntnisse is knowledge. Knowledge of German language. Yeah. Flexibility. Team Face Kite. Das Bureau Management. Bureau Management. Der Bureau Kaufmann. Der Bureau Kaufmann. Der Kundenkontakt. Die Kunden. Okay, der Kundenkontakt bhi ho sakta hai. Der Kundenkontakt. Kontakt. अगर कॉन्टैक्ट लिख रहे हो ई और लगाओगे तो डी हो जाएगा प्लूरल. कुंडन कॉन्टैक्ट, कस्टमर कॉन्टैक्ट, ये तो डेयर है लेकिन ई लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा कस्टमर कॉन्टैक्ट्स. ओके. हाउस बिल्डिंग अब्सलूस. सो अब्सलूस का मतलब है डिग्री. हाउस बिल्डिंग अब्सलूस का मतलब है आपकी डिग्री फाइनल. ट्रेनिंग की पूरी क्वालिफिकेशन मतलब फाइनल डिग्री दिखानी पड़ती है जो पेपर. यस. कंप्यूटर कैंटनीश है. यस. या आउसलैंड्स टेटिस्काइट. Mobilitate. Berufs Anfänger. Der Berufs Anfänger. Beginner. नया नया प्रोफेशन जो स्टार्ट करता है. Young professional. Yes, young professional. Bureau Management. Flexibilitate. Deutsch Kenntnisse. Okay, so well said. Adjective common in den stillen Anzeige auf Seite 100 Gestures 4. वो कह रहे हैं कि पेज नंबर 160 पे इनमें से कौन कौन से एडजेक्टिव आए हैं. तो टीम फेस गुट अट्रैक्टिव स्लेस्ट स्पानेंट ओडेंटलेश एम्बुलेंट काउटिश इंटरेसेंट मोबिल हियोफ्लिश फ्लेक्सिबल. Hyoflish means polite. Polite. Team Peish. Team. Team mein kaam karne ki ability. Yeah. Ability of the teamwork. Ability of working in team. What is spannend? Band. स्पानन का मतलब है थ्रिलिंग और एक्साइटिंग. राइट. जैसे आपको खुद नहीं पता होता आज क्या करना होगा और अचानक से कोई नई चीज आती है वो करना होता है हमको. सो स्पानन थ्रिल रहता है नया. एक तो रहता है रोज वही काम करना है जिसे पिटा है टाइपिंग ही करनी है रोज जाके तो इसमें वो स्पानन नहीं लगता काम. और रोज नया कुछ करने को मिले that is then spannend. Ordentlich, organized, vyavasthit, ordentlich. Kautish, unorganized, titar bitar aise hi pada hai, bikhra pada hai. Yeah, chaotic. Yeah, kautish, chaotic. Haben wir noch Hausaufgabe oder war das alles? Nein. Seite 107 und 6. Ah, 7 und 6.
Girls' Day. Okay, that is done here. Here. Habt ihr gemacht? Was kommt hier? Seit dem, इसको क्या पढ़ना है मुझे? जेड को स्टार्ट तो हमको लिखा जेड है लेकिन पढ़ना यहां स्टार्ट है. Seit dem Start der Aktion haben mehr als 1,5 Millionen Mädchen. So what should I write? Day. 5 Millionen Mädchen an etwa 100,000 Veranstaltungen teilgenommen. क्या मतलब हुआ इसका प्राची? Meaning of first sentence. Since there have been about 1.5 million girls, about 1 lakh different types, different activities. Okay, correct. So, since starting of this program, of this action, Girls' Day, more than 1.5 million girls have participated in more than 100,000 activities, events. Veranstaltungen means events. इतने प्रोग्राम हो गए इसके अभी तक. 1 लाख से ज्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं गर्ल्स डे के एंड 15 लाख से ज्यादा गर्ल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है. टाइलगेनोमन टाइल नेमन अन. ओके मोहित पारिक स्वाई गुट ऑर्डर जेयर गुट ऑर्डर जेयर गुट सो दैट वुड बी एफ मतलब 90% जितने भी कंपनियों ने और जो पार्टिसिपेंट्स ने गर्ल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जितने भी लोगों ने कंपनियां भी पार्टिसिपेट करती हैं वो बुलाती हैं स्टूडेंट्स को फीमेल स्टूडेंट्स को तो 90% ने इसको या तो गुड बताया या वेरी गुड बताया. 10% ही हैं जिन्होंने इसको में इंटरेस्ट नहीं दिखाया. सो गुड ऑर्डर जेयर गुड या दस मन धन जो अनिरुद्ध इमन मेयर फ्रॉम इन डॉयचलैंड म्यूस्टन गेन इन टेक्नीशियन Immer mehr Frauen in Deutschland möchten gern in technischen Berufen arbeiten. Immer mehr Frauen means more and more ladies. Always more. More and more ladies in Germany would like to work in technical professions. Berufen. Yeah. Richtig. Abhishek. Feel a girl's day tile namer? Feel a girl's day tile namer in the fewer dabai bar than yet in Schule, Studium oder Beruf im Technik Bereich. Der girl's day marks use of technische Beruf. Okay, kann man sagen, gay. गे भी आ सकता है बे भी आ सकता है इसमें है ना. सो मैनी गर्ल्स जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया है यहां पे हाउस बिल्डिंग भी आ सकता है सेंसफुल है ये भी और स्कूल भी आ सकता है क्योंकि कितना पहले ये तो बताया नहीं. ये कह रहे हैं कि बहुत सारी गर्ल्स जिन्होंने इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है वो आजकल या तो स्कूल में है या कहीं हाउस बिल्डिंग कर रही हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही हैं स्टूडियम स्टडीज में है ऑर्डर बिरूफ या फिर ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड में काम कर रही हैं. द गर्ल्स डे मार्क लिस्ट ऑफ टेक्नीशियन बिरूफ है एंड दिस गर्ल्स डे इट
मेक यू इंटरेस्टेड, आपका इंटरेस्ट जगाता है, मार्क्ड लुस्ट इन टेक्निकल फील्ड्स, ओके, या गर्ल्स क्या सीखती हैं इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके? वो ये सीखती हैं वास युंग्स क्योंन, युंग्स मतलब बॉयज, जो बॉयज कर सकते हैं वो हम भी, दास क्योंन वियर आउख आउख हाँ, सो ये कॉन्फिडेंस आता है हमको, ओके डन। रिशु इंटरनेशनल, ओके सो इट्स सक्सेसफुल, दिस गर्ल्स डे इज इंटरनेशनली सक्सेसफुल, इन 19 अदर कंट्रीज इट्स हैपनिंग नाउ, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग गर्ल्स डे, सक्सेस, अर्फोल्क इज सक्सेस। स्टाम्पटिश का टॉपिक था एक बार, अर्फोल्क, ओके अर्फोल्क बोलो, अर्फोल्क, या Genau, richtig. So, lern Aufsatz, lesen Sie und beenden Sie dann die Sätze. So, you have to just read und beenden Sie Sätze. Ye read karke, phir in sentences ko hum log finish karenge, complete karenge. Yeah, vielleicht. Okay, Mohit. Es spiele sehr gern Computer spiele. Es gibt gute, aber auch schlechte Spiele auf dem Markt. In der Schule hatte es einen Computerkurs. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich ein kleines Spiel schreiben konnte. Jetzt mache ich ein Praktikum in einer Computers Firma. Die Leute sind jung und sehr kreativ. So müsste ich arbeiten, aber es ist nicht einfach. Nach der Schule muss ich eine dreijährige Ausbildung zur Spiele. Designerin an einer privaten Schule machen. Stop. So, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना रीड करने की, सो फिर ऐसे कंफर्ट आएगा पढ़ने में। सो जी स्पील्ड गैर ने कंप्यूटर स्पील है, कंप्यूटर गेम्स में उसको बहुत इंटरेस्ट है। Es gibt gute, auch schlechte Spiele auf dem Markt. There are good and bad games in the market. Schule hatte is computer course in the school. She has already done some computer course. Der hat immer Spiel Spaß gemacht. It was fun. While ich kleine Spiel geschrieben konnte. Jetzt mache ich Praktikum. In school time also she could made one computer game. Chota sa usne khud hi banaya tha us time pe. खुद का गेम बनाया उसने स्कूल टाइम में, एंड नाउ सी इज डूइंग सम प्रैक्टिकम इंटर्नशिप इन ए कंप्यूटर गेम कंपनी। ऑन्ट लॉयटे जिन यंग उन जेर क्रिएटिव जो म्योस्टे शार्बाइटन, इसी तरीके से मुझे काम करना। आबर एसिस्ट निस्ट आइन फाक नाक्ट शूल है मुसी साउक ड्राई ये रीग आउस बिल्डिंग सुअर स्पील अ डिजिग्नर इन माखन, मीन्स 3 years डिग्री भी करनी है इसको, बिकॉज काम करना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। या दी हाउस, सॉरी दी हाउस बिल्डिंग कॉस्टेड बिस टू 5000 यूरो यूरो और यूरो सॉरी
Euro iskan auch das lieben Schwester in einer Sleben Sleben ne kahiye Sieben Sieben so Sieben hi bolna hai usko ab ye mat bol dena Sieben hi bola tha okay Sleben Schwester an einer Medin designate Hochschule Studien aber auch das kostet Geld Außerdem, it is double S. Außerdem, Musman, Musman Pila, Praktika, 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 Machen, Team Feisch, Team Feisch, Team Feisch, Flexibel und auch sehr Creative, Creative, Creative Design ist Gift, Pila Leute mit dem Beru. Beruf Wunsch. Beruf Wunsch Spieler Designer. Means there are many people who are interested. Means they want to become game designer. Spieler Designer. Means game designer banna chahte. Okay. Gamers. Huh? Okay. Klar. So. Stine kommt. How will you complete this sentence? Where does she come from? Stine kommt aus Schweden. Schwede kommt aus Schweden. Stine kommt aus Schweden. She comes from Sweden. Sie interessiert sich für Computer Spiele. Pehla hi sentence hai. Computer games, Computer Spiele. In der Schule, what she has done in the school? कंप्यूटर कोर्स के मार्क्ड हाटेजी कंप्यूटर कोर्स हाटेजी फील्ड पास के मार्क्ड सो डिपेंड्स सुअर साइट मार्क्ड जी व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ या कंप्यूटर जो प्रैक्टिकम जी मार्क्ड प्रैक्टिकम इन कंप्यूटर स्पील फिर्मा ओके जो खाली तो कर दिया मैंने भाई काफी कुछ फिर भी ओके नेक्स्ट द हाउस बिल्डिंग श्योर हाउस बिल्डिंग श्योर कौन सी हाउस बिल्डिंग श्योर स्पील डिजिग्नर इन ओके विल जी माखन या मूस जी माखन यू हैव टू मेक ए सेंटेंस इससे सेंटेंस ही बनाना है ना हाउस बिल्डिंग श्योर स्पील डिजिग्नर इन ये हो गया तो सेकंड पोजीशन पे तो वर्ब आनी चाहिए मूस जी माखन आल्स स्पील डिजिग्नर ऑर्डर डिजिग्नर इन मूस मान What people have practiced Marken Metridem Berux Practicas Practica Practica Okay Musman Phile Practica Marken und Creative Design Yeah So ist es in fact Und jetzt House of Gabe स्वेस्ट उन दन माखनविया एटवास आंद्रस इस बुक से कुछ अलग करेंगे फर्स्ट यू जस्ट नोट डाउन होमवर्क जीबन जीबन हियर जोल्टेमान इनफैक जी आइंजेटसन उठा के इसमें फिट करने हैं आक्ट इन आक्ट एस्किप्ट परजोनन जी लेजन यूबर दीजे परजोनन वास जी आल्सकिंड Werden wollten und was sie jetzt machen. What they actually wanted to do in childhood and what they are doing now. So you will just go through and then you can answer these questions. Okay, this is also Eva Thorsten, I think same, इन्हीं से related है but इसमें while और then है एक और last आपको बताऊंगा this one. Again, verbs are there, you have to bring them here as a noun. एज ए नाउन का मतलब है वर्ब्स को कैपिटल लिख देंगे जो नाउन बन जाएगा कुछ अलग से ज्यादा दस यस ये आपको करना है
Und wir nehmen jetzt was anderes. इसके अलावा कुछ करते हैं हम लोग. सर जैसे तानसेन को डांस को आप मतलब अगर नाउन लगा के बोलना चाहे तो तानसेन बोल सकते हैं ना उसको. वही तो है, तानसेन को तानसेन ही बोलेंगे. तानसेन डांस. हाँ तानस तानस भी बोल सकते हैं. डांस दास तानसेन मोमेंट. ओ नाइन निश दास विकास समिति. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen das. Hier. Ivanka. Ivanka. Abhishek, du bist dran. Also hier gibt es eine Geschichte von einer Frau, Ivanka. Also wir versuchen, sie kennenzulernen. Wer ist Ivanka? Be careful. At the end, maybe there are some questions. Okay? Yeah. No, there is no page number. This is a PDF. Study material मिलेगा? एक मिनट. ये मैं आपको WhatsApp पे भेज देता हूँ मैं. Okay? Just a moment. Moment. Ivanka or Swai. Or Swai We heist your group. Funsen October. Funsen October. Ja, schon da. Jetzt kann Abhishek schon lesen. Ja, sicher. Ivanka. Mein Name ist Ivanka. Ich bin in einem kleinen Dorf im früheren Jugoslawien aufgewachsen. Wir hatten eine kleine Landwirtschaft, eine paar Schweine und Schafe. Käse haben wir selbst hergestellt und das Fleisch der Tiere verkauft. Und wir hatten einen großen Gemüsegarten. Den Geschmack unserer reifen Tomaten vergesse ich nie. Im Dorf bin ich 6 Jahre zur Schule gegangen. Dann bin ich zu Hause geblieben und habe meine Mutter bei der Arbeit geholfen. Mit 16 habe ich Dragan, den Sohn der Nachbarn, geheiratet. Ein Jahr später ist unser erstes Kind zur Welt gekommen. Okay, stopp. Verstanden? Ja. Nein? Okay. Mein Name ist Ivanka, ich bin in einem kleinen Dorf im früheren Jugoslawien aufgewachsen. Aufwachsen का मतलब है बड़ा, ग्रो करना, पली बढ़ी. मैं यूगोस्लाविया, पुराना जो यूगोस्लाविया है उसमें, टॉकिंग अबाउट ओल्डन टाइम. यूगोस्लाविया पहले का था, पहले का यूगोस्लाविया था वो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा का मामला था वहाँ पे, है ना. सो सोशलिज्म और ऐसे है ना. कंट्री का नाम है यूगोस्लाविया. ऑफवॉक्शन मीन्स ग्रो. मेरा और कहाँ पे, इन आइनम क्लाइनेंडॉर्फ, इन ए स्मॉल विलेज, पुराने यूगोस्लाविया के एक छोटे से विलेज में. व्याहाटन आइन ए क्लाइन लैंडविटशाफ्ट. लैंडविटशाफ्ट का मतलब हमारा छोटा मोटा धंधा था. लैंडविटशाफ्ट खेती वगैरह, खेती बाड़ी का काम था इनका. आइन पार श्वाइन है, श्वाइन है का मतलब है
pigs und Schafe sheep sheep भेड़ पिक्स और भेड़ वही पालने का काम खेत थे इनका कोई केज हाबन वीर जेल्ब्स्ट हर्गेस्टेल्ट चीज तो हम खुद ही बनाते थे चीज पनीर टाइप ना चीज जो आता है हर्गेस्टेल्ट हर्स्टेलन प्रोड्यूस उंट दस फ्लाइस देयर टियर है फरकाउफ्ट फ्लाइस देयर टियर है मीट एनिमल्स का मीट हम लोग फरकाउफ्ट बेचते थे Und wir hatten einen großen Gemüsegarten. We had a big vegetable garden. सब्जियां vegetable, जानवर बेचना दूध बेचना उनका मांस बेचना यही काम था इनका Den Geschmack unserer Reifen Tomaten vergesse ich nie. Geschmack is taste. Taste of our Reifen का मतलब हमारे पके हुए जो टमाटरों का जो टेस्ट था वो मुझे आज भी याद है इस vergesse nie. I will not forget. Im Dorf bin ich 6 Jahre zur Schule gegangen. 6 years I went to school. Dann bin ich zu Hause geblieben. 6 Klasse ज़्यादा नहीं पढ़ी है. Und habe meine Mutter bei der Arbeit geholfen. Mit Jessen habe ich Dragon. Dragon कोई बंदा है. Den John der Nachbarn. हमारे पड़ोसी का बेटा. Geheiratet. उसी से शादी होगी मेरी आइन यार स्पेटर इस्ट उंजर एरस्टेस्किंड श्योर वेल्ट के कॉमन आफ्टर वन ईयर वी गोट अवर फर्स्ट बेबी इन माइनम डॉर्फ हार्टेस्ट खाइन आर बाइट गिगेबन काम धंधा नहीं था हमारे गांव में ड्रागन ओंट एश वोल्टन उंजरम किंड एन गुट शुकुंफ्ट बिराइटन हम चाहते थे कि हमारे बेटे को हमारे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिले ओंट Das geht nicht ohne Geld. But without money, you know, it is not possible. Das geht nicht. Deshalb haben wir uns entschieden and that's why we have decided für ein paar Jahr nach Österreich zu gehen. We thought, let's go to Austria. Kuch saal Austria rehke aa jate hai. This was the plan. Okay. Done. Decide. We have decided. तय कर लिया हमने हमने ऑस्ट्रिया जाने का प्लान बनाया वी हैव डिसाइडेड टू गो टू ऑस्ट्रिया रोहित विल्स टू लेजन ओके अंतेश डू कांस्ट रोहित इज निस्ट दा या वीरजेंट ओबन Here. I'll be dear gentle, non-unter, gives this. Nako wine, dear common, anfangs. Wine or wien? Wien. Nach Wien, dear common. Nach Wien, dear common. Capital of Austria. Yes. Anfangs haben wir bei Bekannten. Gewohnt doch bald haben wir eine kleine Wohnung gefunden. Dragon hat bei einer Baufirma angefangen und ich habe Arbeit als Stubenmädchen bekommen. Dann ist unser John geboren und ich bin 2 Jahre zu Hause geblieben. Jo, okay, stop. So, wir sind ja nach Wien gekommen. We came to Wien, Wien city, that is the capital of Austria. Anfangs means in the beginning, haben wir bei Bekannten gewohnt. Naya naya koi aata hai, to apne रिश्तेदारों के पास रुक जाता है रुक गए ये भी उनके रिश्तेदार भी होंगे वहाँ पे वीन में गिवोंट पैसे नहीं लगे अपने डॉक बाल्ड हाबन वी आ आइन ए क्लाइन ए वोनुंग गेफुंडन बट सून वी फाउंड अवर ए स्मॉल हाउस वोनुंग अपार्टमेंट फ्लैट मिल गया हमको कोई छोटा मोटा ड्रागन हार्ट बाई आइनर बाउ फिर मान गे फांगन उनकी शाब है अरबाइट आल्स स्टूबन मेडिसिन बाई का काम मतलब घर में किसी के
छोटा मोटा काम, घरेलू काम। सो मुझे कोई बाई के तौर पे काम मिल गया और उसको बाऊ फिर्मा सम कंस्ट्रक्शन कंपनी, सो बोथ आर वर्किंग नाउ। दानिश्टुंजर जॉन गिबोरन एंड देन हमको बेटा हो गया उन्ट इशबिन श्वाई आर शू हाउज गिबलीवन एंड देन टू ईयर्स आई स्टेड एट होम। मनीष Reinigungs Firma Reinigungs Firma arbeitet gefunden ist habe auf dem Hemweg Hemweg nach jo Jugoslawien gehabt aber die Kinder sind in Wien Wien in die Schule gegangen und deshalb konnten wir noch nicht zurück. So now als die Kinder größer gewesen sind and when kids थोड़े बड़े हुए habe ich in einer Reinigungsfirma some cleaning company कोई cleaning वगैरह का काम करती थी कंपनी I found work there. Ich habe oft Heimweh nach Jugoslawien gehabt. I always wanted to go back Yugoslavia. Heimweh मतलब घर की याद आना and homesickness. Heimweh मुझे homesickness होती थी. Aber the kinder sind in Wien in the Schule gegangen, but because kids started going school there und deshalb konnten wir noch nicht zurück and we could not. So, उसका मन था वापस आऊं बट क्योंकि बच्चे छोटे थे स्कूल जाने लगे इसलिए वो वापस आने का बन ही नहीं रहा। ओके बैक कि आई वॉन्टेड टू कम बैक या मोहित मेंटालिटेट By uns hat man viele mehr Kontakte. Viel mehr Kontakte. Kontakte. Selbst diese Gegenseitig und ist warmherzig. 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 Man feiert Feste. Feiert Feste. Tanz sind lacht und ist Lebensfroh. Lebensfroh. Hier sind. Hier sind viele Menschen. ओके आज दस हर जी दन अर्कलेट वी दिस वाचन द इन योस्ट्राइस सी इज नाउ इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कल्चर मेंटेलिटी ऑफ पीपल इज डिफरेंट जी जाट दस अमाइस्टन हैवन वी इमर दी मेंशन यूगोस्लावियन गिफेल्ट। गिफेल्ट का मतलब वी मिस्ड अ लॉट। यूगोस्लाविया के लोगों की बहुत याद आती थी कितने भले थे वो कितने प्यार से बात करते थे सब याद आता था उसको। बिजोंडर्स नेचुरलिस्ट माई फैमिली है एंड स्पेशली माई फैमिली योस्ट्राइस इज गुड। ऑस्ट्रिया इज गुड गुड तो है ये आबर द मेंटालिटी इज अदर्स बट दे थिंक डिफरेंट अलग तरीके से सोचते हैं वो डिफरेंटली। बाई उन्स हट मन फील मे अ कॉन्टैक्ट है इन यूगोस्लाविया पीपल हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट हेल्प गिगनजाइटिस मीन्स म्यूचुअली दे हेल्प ईच अदर उन्ट इस्ट वार्म हर्ट्सिस मतलब वहाँ यूगोस्लाविया के लोग वार्म हार्टेड गर्म जोशी से मिलते हैं लोगों से। मन फायर्ड फेस्ट है मेंटलिटी लोगों की ना। मन फायर्ड फेस्ट है पीपल सेलिब्रेट फेस्ट तांस जिंक लाख्ट उंट इस्ट लिबन्स फ्रो कहां पे यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया के लोग फेस्टिवल मनाते हैं नाचते हैं गाते हैं हंसते हैं खुल के लिवंस फ्रो लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं मतलब एज ए बोलते हैं कि खुश मिजाज लोग हैं
लिबेंसफ्रो खुश मिजाज. हियर जेन फील अ मेंशन डिस्टेंसियट. डिस्टेंसियट का मतलब है अलूफ, मिक्सअप ही नहीं होते, मिक्स नहीं होते दूसरे से. ये बता रही है यहां का सीन ये है. जी लखनिस्ट दे डोंट लाफ. जिट्सन स्टिल इन देयर स्ट्रासनबान. ट्रेन में भी आएंगे तो मतलब चुपचाप लोगों से बातचीत नहीं करना, आके मशीन की तरह आके बैठ गए, उठ के चले गए ऐसे. और वो इसको जमता नहीं. जी लखनिस्ट जिट्सन स्टिल. चुपचाप आके स्ट्रासनबान में बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं. रेडन वेनिश दे टॉक लेस. शोन द किंडर म्यूशन इमा गांस लाइज डिजाइन. और बड़े तो बड़े, छोटों को भी चुप रहना है. और स्विट्जरलैंड में तो बच्चों के मुंह में कुछ ठूस के रखते हैं ताकि वो रो नहीं पाए, है ना. अपने भी आजकल, अपने भी लिया है आजकल यहाँ पे, वो लगाते थे बच्चे के मुंह में. आप तो लगा ही दोगे पक्का, थोड़े दिन और रुकते हैं. येडर इष्ट फ्यूर जिश. एवरी वन इज फॉर वन सेल्फ. मतलब खुद के लिए हर कोई अपना अपना सोचता है. आउक द अल्टन मेंशन लेबन अलाइन. इवन द एल्डरली पीपल दे लिव अलोन. फील है हाबन हुंडे लिबरल स्किंडर. कुत्ते रखना ज्यादा पसंद है बच्चों के बजाय, कुत्तों को ज्यादा ओके प्रीफर करते हैं. प्राची Under a kinder wallet master I striven. First learned here owner, one learned here owner under a kinder aligned in them frozen house. So, बचपन में निकल गए युगोस्लाविया से, ऑस्ट्रिया चले गए, जिंदगी बदिया हो जाएगी. खूब काम किया, बच्चे हो गए तो अब आने का मन करता है, बट बिकॉज बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं तो आ नहीं सकते. देन दे थॉट ड्रैगन उंट इश हबन उंजर गांसस लेबन श्वेर ग्यार बाइटेड. पूरी जिंदगी हार्ड तोड़ मेहनत करी. इन उंजरम डॉर्फ हबन वीरा इन ग्रोसेस हाउस गिव आउट. गाँव में बड़ा सा घर भी बना दिया. वेन वी आर इन पेंजियोन्स इन म्योस्टन वी आर डोट लेबन. कि हम लोग जब पेंशन चले जाएंगे 60 के हो जाएंगे तो वापस वहाँ जाएंगे, इसीलिए रोना आया. आबर उंजर किंडर वोलन इन यूस्ट्राइस ब्लाइबन. बच्चों ने कह दिया हम तो यहीं रहेंगे. वास जोलन वियर देन ओन ए किंडर अलाइन इन डोरसम हाउस. हम क्या करें जाके उस बड़े घर में, बड़ी समस्या, दुख बहुत है. या सो आपको करना क्या है, एक टेक्स्ट और भी है अभी, बट हमने यहाँ पे पढ़ा इसको ठीक है, बट घर पे जाके आप देखना कि ग्रामर वर्ड्स एक एक आपको समझ में आता है क्या. ये आपका टेक्स्ट है, एग्जाम में आता है तो इस तरह से कोई भी टेक्स्ट तो आपको डील करना आना चाहिए ना. सो क्या तो ग्रामर चल रही है यहाँ पे. ये आइनम क्लाइनन तो क्यों आया, ये सोचना है आपको घर पे आराम से तसल्ली से. इसीलिए इस टेक्स्ट को निकाला है मैंने. ये कौन सी ग्रामर है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव एंडिंग लग रही है. एंड कौन सी टेबल, थ्री टेबल्स होती हैं, आइनम वाली, आइन वाली. और यहाँ पे क्या आ रहा है, किस डाटिव, डाटिव न्यूट्रल, डाटिव. ओके सो ये इसको चेक कर करके देखना है कि हाँ ये वाला आ रहा है ना, इसको अच्छे से समझना है. ओके इवांका. देन देयर इज वन मोर, माइने गोल्डन किंड हाइट इन बुल्गारियन. किंड हाइट इज बचपन, चाइल्डहुड. बुल्गारिया में मेरा गोल्डन टाइम. ओके या शो वी आर हाबन यस्ट बाय उन्स जोसेफ. जोसेफ ब्रिटिशन. आई विल ऑल्सो सेंड इन द ग्रुप, बट जोसेफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. In Einem kleinen Dorf in Bulgarien geboren und habe meine ersten
6 levens yare do serva with mainam gross father avish enam de yesharthan mere etru haban damas shown in the start graduated un shalein do mainstens both with wasser un super regression is the is the pain vesti or pain bar no pain water burn in the mitte this locus relishing the nap of the one being why my grandfather yari na Vishriyan had Kakrlaken. Kakrlaken and then Venden. Venden. So Kakrlaken. I have sent this text in the group again. So Kakrlaken is cockroaches. And then Venden. And then Venden मतलब दीवारों पे cockroaches. वो भी कितनी बड़ी संख्या में hundreds है. Hundreds of cockroaches. इतने cockroach हैं तो बड़ा दुख तो बहुत है भाई घर में तो माइने गोल्डन ए किंड हाइट इन बुल्गारियन सो सी वॉज फ्रॉम युगोस्लाविया एंड मारियान ही इज इन बुल्गारिया ओके मेल होना चाहिए नाम इसका मारियान इश बिन इन आइनम क्लाइन एंड डॉर्फ इन बुल्गारियन गिबोरन बिन गिबोरन आपको हर सेंटेंस में लगना चाहिए कि ग्रामर कौन सी आ रही है सो बिन गिबोरन कौन सी टाइप की ग्रामर है ये क्या है इसमें ग्रामर में पेशवाई बिन और गिबोरन जाइन लेता है गिबेरन सो बुल्गारिया के एक छोटे से गांव में है ये भी उंट हब माइने एर्स्ट जैक्स लिबेंसियार डोर फरब्राक्ट ये इसमें कौन कौन सी ग्रामर आ रही है कौन कौन सी ग्रामर दिख रही है आपको इसमें हब माइने एर्स्ट जैक्स लिबेंसियार डोर फरब्राक्ट दो चीजें हैं इसमें माय फर्स्ट एडजेक्टिव भी है क्या इसमें एर्स्टन ओके दिस इज एडजेक्टिव ना एर्स्ट के एर्स्टन ईएन लग गया ये कौन सा है एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव कौन सी टेबल तीन टेबल है अपने पास डेफिनेट इनडेफिनेट और ओन है आर्टिकल आइन वाली या डेर दी दास वाली कौन सी टेबल लगेगी अनबेस्टेंड आइन वाली डेफिनेटली आइन वाली Unbestimmt लगेगी आइन वाली लगेगी क्योंकि जब भी माइन डाइन जाइन ईआर पोजेसिव वाली जो है वो आइन वाली लेती है यस प्लूरल में ईएन ईएन आता है इसीलिए यहां पे आ गया प्लूरल में ईएन आ गया सो हाब माइने एर्स्टन जैक्स लेबेंशियार है मैंने अपने शुरुआती 6 साल डॉट फरब्राक्ट शुरुआती शुरुआत के शुरुआत का नहीं शुरुआत के प्लूरल है वो डॉट फरब्राक्ट आई स्पेंट माई फर्स्ट 6 years देयर मेट माइनम ग्रोस फाटर हाबे शिनाइनम बैट के श्लाफन हमारे कोई ज्यादा बिस्तर भी नहीं थे तो दादाजी का था वहीं पे मैं भी सोता था गिश्लाफन माइने एल्टन हाबन दामाल शोन इन दर स्टार्ट गियार बाइटेड माई पेरेंट्स स्टार्टेड ऑलरेडी वर्किंग इन द सिटी अगेन पेशवाई हाबन गियार बाइटेड Und ich habe im Dorf meistens Brot mit Wasser und Zucker gegessen. दुख तो यहाँ भी बहुत है कि ब्रेड मतलब रोटी रोटी पानी के साथ खाता था मैं या चीनी लग मिल गई तो बहुत ही बढ़िया है सो पानी के साथ रोटी खाना लिखा इसको एयर गाब एस गाब खाइन वैशे उंट खाइन बाड बाथरूम लेट बात तो था ही नहीं तो खुले में नूअर आइनन वाशर ब्रूनन इन द मिटर डिस डॉर्फेस वाशर ब्रूनन एक कोई जैसे हैंडपम्प टाइप में वाशर ब्रूनन वैसे उसको बोलते हैं फवारा टाइप में जिसमें से पानी निकलता है ब्रूनन वैसे कुआ होता है सो नूअर आइनन वाशर ब्रूनन इन द मिटर डिस डॉर्फेस
गांव के बीचों बीच हो सकता कुआं हुई है ना। वैसे ब्रूनन फाउंटेन को भी बोलते हैं, बट यहाँ पे कुएं का सेंस लग रहा है क्योंकि गांव के बीच में कुआं ही होगा। था एक वेन इश इंडर नाक्ट ऑफ गेवाक्ट बिन वाइल माइन ग्रोस फाटर येड नाक्ट गिश्रियन हार्ट दन जाइश हुंडर्ट ककर लाखन अंडन विंडन। दादाजी रात को चिल्लाते थे, हाँ ग्रोश फाटर येड नाक्ट गिश्रियन हार्ट। ओके अच्छा, एयर हाटे इमर क्रिक्स अल्प त्रॉय में, वर्ल्ड वार के टाइम पे वो शायद उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे तो उनको दिखता था सपने में, तो चिल्ला पड़ते थे बचाओ बचाओ या कुछ, तो मेरे को जाग हो जाती थी। और उस टाइम पे जब मैं रात को कभी जागता था तो मैं देखा करता था या मुझे दिखते थे दन जाइश हुंडर टका कर लाकन अंडन वेंडन। और यस जाइश जेहन का जा होता है पास्ट फॉर्म, जेहन का जा। ओके विश टू बी राइट ब्रिटिश शॉन लिस्मल लाउट आप दिन जीवंटन लेवन जेयर लेवन जेयर का लेवन सियार नाम है सर, काम है लेवन सियार काम काम इश इन दी स्टार्ट माइने एल्टन हार्टन डॉट या जॉन शॉन सॉन लंग्स्ट टू आर्बिटन बे गोन गोनन जी वारेन प्रो प्रोलेटारी जियर्ट है प्रोटोलेजर बियर्ट है बाउरेन इन देयर स्टार्ट हावन बियर इन आइनम हाउस मेक्स वाई विन विन सिगन सिमर्न विन विन सिगन सिमर्न सिमर्न सॉरी सिमर्न सिमर्न गिलेट जी वारेन नोइन क्वाड्रेट मीटर नोइन क्वाड्रेट मीटर नोइन क्वाड्रेट मीटर स्वाई ग्रोस वन बी रोमे वारेन स्वाई मीटर हॉक क्यूर फियर प्रजोनन वियर हैवन आउट देम बोर्डन गे स्लाफन वियर हैवन पुंस गे गेन जीटिस गे वांट उन्ड आउ आइनम होल होल सोफन गे कॉक एस डॉग काइन बेड दास वैसे वार हिम ऑफ उन योडे फोन जोए फैमिलियन बिन जूट्स आर्मूट 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 मतलब पोर्टी गरीबी पोर्टी राइट सो गरीबी का ये आलम था, मतलब गांव में ही थी ऐसा नहीं है, अब तो शहर में आ गया ये। अब डेम जीपटन लेबनशियार फ्रॉम सेवंथ ईयर ऑफ माय लाइफ अब डेम अब का मतलब है फ्रॉम ऑनवर्ड्स, सो फ्रॉम सेवंथ ईयर ऑफ माय लाइफ ऑनवर्ड्स कामिश इन द स्टार्ट मैं सिटी में आने लगा या सिटी में आया, दोनों ही मतलब है इसका। आना जाना हुआ मेरा 6 साल तक तो हुआ ही नहीं दादाजी के साथ वहीं पे, दादाजी चिल्ला रहे हैं वो देख रहा है काकर लाखन। और सेवंथ ईयर में सिटी आया माइने एल्टन हटन डॉट शोन लेंग्स्ट लेंग्स्ट का मतलब है लॉन्ग अगो मीन्स माय पेरेंट्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग लॉन्ग अगो इन द सिटी आई वाज नॉट देयर बट दे हैव बीन वर्किंग सो दे वर ऑलरेडी वर्किंग देयर शोन बिगोनन हटन शोन बिगोनन मैं आया उससे पहले मेरे पेरेंट्स काम करना शुरू कर चुके थे कर चुका हूं और कर चुके थे में फर्क है हाबन पेचवाई और हाटन पेचवाई जीबंटन क्योंकि डाटिव के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है तो ईएन लगता है उसमें ये रूल है या वाला ये कोई बात को जोर देके फोकस करके जब कोई चीज को बोलते हैं तो या आवर इस तरह के यूज करते हैं यस ना वी गेट्स ना का मतलब और क्यों कैसे हो ना का मतलब भी हाँ
और बताओ, वो सेंस होता है ना क्लार ऐसे, ऑफ कोर्स पॉजिटिव सेंस में रहता है जनरली या और ना, बट हियर ये कोई चीज को फोकस देके जोर देके कहना हो ना, अपनी बात अच्छे तरीके से रखनी हो. सो मैंने एल्टन हटन डॉट या शोन लेंगस्ट सुअरबाइटन बिगोनन. अब देखो सुअरबाइटन बिगोनन थोड़ा अजीब लग रहा है सेंटेंस. दूसरी वर्ब आती है तो सु लगाते हैं. तो आप ये भी कर सकते थे कि मैंने एल्टन हटन डॉट या शोन लेंगस्ट बिगोनन, पहले पहला सेंटेंस खत्म कर देते और फिर सुअरबाइटन कर देते. ऐसे भी कर सकते हैं. दे ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग. ठीक है, एक ही बात है. जी वारिन बिगोनन सुअरबाइटन ऐसे भी कर सकते हैं. यस, मतलब मेरा कहने का मतलब है पहले पेचवाई को भी फिनिश कर सकते हैं और फिर सु प्लस वर्ब लगा दो. राइट, ना कुछ नहीं लगेगा. सिंपल सिंपल, जैसे कोई बोले मैं यहां पे खाना खाने आता हूं, इसको मैं हियर सु एसन, सु एसन हो गया ना. कोई बोले मैं तो खाना खाने आया हूं, इस बिन हियर गिकॉमन सु एसन. कोई ये भी कह सकता है इस बिन हियर सु एसन गिकॉमन. मतलब पेचवाई का रूल तो ये है कि भाई पेचवाई लास्ट में आएगा सेंटेंस में, ये तो रूल सही है. लेकिन सु का रूल ये है कि सु लास्ट में आएगा, तो दोनों ही लास्ट में आना चाहते हैं तो किसी एक को तो पहले लाना ही पड़ेगा. दोनों में यही है ना. तो हम चाहें तो पेचवाई को पहले ले लें और सु को लास्ट में ले जाएं, क्योंकि सु भी कहता है मैं भी लास्ट में आना चाहता हूं. ये दोनों के रूल यही है कि ये लास्ट में आएंगे. हाँ, बोथ आर करेक्ट. यस, सो जी वारिन प्रोलेटारी जियर्टे बावर्न. इसका कहने का मतलब यह है कि बेसिकली वो किसान थे. मतलब कोई किसानी छोड़ के नौकरी करे, ओरिजिनली वो किसान है, हो सकता है वापस लौट जाए. नाई वाला है ना, ये वाला है क्या नाई का, कैसे सीन नाई का चलता है ना कि वो पहले पूरा काम कर लिया, रिटायर के बाद वापस नाई वन बन गया. ऐसे होता है क्या? वापस वो वाला पहले वाला कारपेंटर वाले और ऐसे चलता है. ओके गुड. सो इन देयर स्टार्ट हावन वियर इन आइनम हाउस मिट स्वाई विन सिगन सिमर गिलेप्ट. दुख गांव में खत्म नहीं हुए, सिटी में विंसिस. विंसिस का मतलब होता है टाइनी, छोटे 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 कमरों में रहते थे. कितने छोटे? 9 क्वाड्रेट मीटर. स्टूडेंट भी कोई रूम लेता है, स्टूडेंट भी कोई रूम लेता है तो वो 20 क्वाड्रेट मीटर का लेता है जनरली ना. तो यहाँ पे 9 क्वाड्रेट मीटर ग्रोश उन दी रॉय में वारिन स्वाई मीटर होक. 2 मीटर ऊंचे, मतलब 7 फुट तक का ऊंचा. तो अपने तो रूम होते हैं तो आप देखो 9 फुट तक के ऊंचे जाते हैं, वो करें 7 फुट का एक छोटा सा रूम, उसमें रहते थे हम लोग. फ्यूर फियर पर जोनन 4 लोग. वी हाबन ऑफ डिम बोर्डन गिश्लाफन. बिस्तर बिस्तर वही नीचे ही बिछाना था. गिश्लाफन वी हाबन उन्स गिगन जाइटिस गिवैर्म्ड. एक दूसरे के राइट गिवैर्म्ड. हमारी तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही गर्मी होती थी रूम में. हाँ, गिगन जाइटिस गिवैर्म्ड उन्ट औ फाइनम हॉल्स ऑफन गिकॉक्ट. और चूल्हा था लकड़ी का हमारा. एस्काब खाइन बाड. बाथरूम वाथरूम नहीं था. Das wäsche war im Hof und wurde von 2 Familien benutzt. 2 Family milke common tha let armut. Bahut bura tha. Dann vielleicht Antesh will lesen? Ja, sir. Bitte schon. Alte ist 13 Jahre. Hat mein Vater wieder hier zu Schweden gegangen und während meine Wirtschule Fußball gespielt haben, wusste ich entweder hohe Jammen oder Geld sein.
ओके फिर से पढ़ो इसको, कितना सुंदर पढ़ा है, फिर से पढ़ो। तुम इतने 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 परेशान क्यों हो रहे हो पढ़ने में? परेशान नहीं होना है, इस हाट ऐसे क्यों कर रहे हो? आराम से आल्स इस ड्राइट सेनवार आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी। हार्ट माइंड फाटर वीडर टीयर सुशुक्षण बिगोनन। देखो आपकी बार फिर वो सेंटेंस आ गया, अभी हमने किया था ना पेज फाइव पहले नहीं या सुने, सो बिगोनन सुशुक्षण भी बोल सकते हैं इसको, कि जब मैं 13 साल का हुआ तो मेरे पापा ने फिर से एनिमल ब्रीडिंग वाला वो वापस काम शुरू कर दिया। टीयर सुशुक्षण मतलब जैसे फार्मिंग टाइप में ना, जैसे मान लो मुर्गियां पाल रहा है कोई, उस टाइप का काम, बकरियां पोल्ट्री फार्म ऐसे काम कुछ शुरू किया। Und während meine Mitschüler Fußball gespielt haben, और जब मेरे साथ वाले बच्चे फुटबॉल खेलते थे, musste ich entweder Heu sammeln oder Hirte sein. Hirte sein का मतलब होता है गडरिया, वो तो फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं गडरिया बना हुआ हूँ, भैंसे चराना, भैंसे नहीं गडरिया, जनरली जो शीप भेड़ें चराना, ये शेफर्ड, शेफर्ड का काम है ना। सो ये काम था मेरे, या हॉय, हॉय जामलन होता है चारा वगैरह इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, तो ये काम करना है, पढ़ते थे मुझे और मेरे साथ वाले फुटबॉल खेल रहे हैं, ये कहाँ बर्दाश्त हो एक यंग बच्चे को, है ना, मन में बहुत गुस्सा होगा, वो लिखा हुआ नहीं है गुस्सा है, लेकिन पता चल रहा है इससे कि वो खुश नहीं है, मुस्ट है वो, ये वर्ड बता रहा है मस्ट, आई हैड टू, मन नहीं था तभी तो मुस्ट यूज करते हैं। ओके अंतेश लास्ट टाइम इसको पढ़ लो बस एक बार ना, ऐसे मत सोचना कि बार बार पढ़ाते हैं मुझे। ओके ट्राई हाँ ये वाला ओके पहले से काफी बढ़िया है ना, सो ऐसे ही पढ़ना है या पिटिशन मोहित इस हावे डी सेस लेबन गे हास्ट उंट वोल्टे वेक। इससे पता चल रहा है देखो, आई हेटेड मुझे घृणा थी इस जिंदगी से, दीजस लेबन ये वाली जिंदगी उन वोल्टे वेग, और मैं वहां से भाग जाना चाहता था। दिस वेगन हावे इज मिस जेयर अंगेस्ट्रेंट उंट बिन स्लीसलेस मिटे जैक्सेन यारन नाक जोफिया आउफ्स कुंस्ट कुंस्ट गया जिम्नाजियम जिम्नाजियम कुंस्ट कुंस्ट जिम्नाजियम गिगांगन उम डोर्ट सू लर्नन। अब की बार देखो, अब की बार पेज वाई को पहले ले लिया और डोर्ट सू लर्नन ये बाद में ले लिया, बात एक ही है। डनाक हावे इस आन डेयर कुंस्ट अकादमी कुंस्ट अकादमी स्टूडियर्ड इस वुस्टे बेराइट्स दास इस नाक डेम डिप्लोमा डिप्लोम डिप्लोम उंटर डेन कम्युनिस्टन कम्युनिस्टन वीडर काइन सांस हावे व्यूड देस साल्ब बिन इस नोक आज स्टूडेंट कि मुझे मतलब इस मेरे देश की जो दशा थी उससे मुझे पहले ही लग रहा था कि यहाँ पे मेरी जिंदगी नहीं है, तो मैंने समझदारी दिखाई, 16 की साल में ही जोफिया में मैंने मेहनत कर करा के कुंस्ट कुंस्ट जिम्नाजियम में पढ़ाई करी, वहाँ पढ़ने के लिए गया जोफिया, जोफिया कैपिटल है वहाँ की बुल्गारिया की, दना खाबे शानदार कुंस्ट अकेडमी स्टूडियट, उसके बाद में कुंस्ट अकेडमी में मैंने पढ़ाई करी, और इश्वुस्ट बेराइट्स
आई ऑलरेडी न्यू, मुझे पता था। दास इश नाक नेम डिप्लोम ओंटेड इन कम्युनिस्टन, डिप्लोमा करने के बाद में भी इन कम्युनिस्ट लोगों के बीच में काइन शांस हाबिन गुड है, मेरा कोई चांस नहीं है जिंदगी में ग्रो करने का। सो दिस हाल बिनिश नाक नॉक आल्स स्टूडेंट, नॉक आल्स स्टूडेंट का मतलब है स्टूडेंट रहते रहते ही नाक यूस्ट्राइस्ट गिव ल्यूस्टेट, मैं शरणार्थी बन के ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं तो ये आराम पाऊंगा इन लोगों के बीच में, क्या करूंगा मैं ऐसे। सो इनके भी कम नहीं है दुख। ये दोनों टेक्स्ट जो है आपको एक बार घर पे वापस से ग्रुप में आ गए हैं, इनको देखना है, ये बहुत ही उम्दा किस्म के टेक्स्ट हैं। इज इन जे गुड फॉर उन्स नाइन मोमेंट हियर एंड वियर क्लार अल्जो दास माखन जी शो हाउ जे दास या रिस्टिश हियर यस्ट गिफ्टस हियर ह्योफ्लिश काइट आबर वीर लेजन दास फोन जाइटा आइन हंड्रेड फियर उन जस्टिश। इसके आंसर देने के लिए हम लोग पेज नंबर 164 पे चलना है हमको, वहां से पढ़ के और फिर इसके आंसर देंगे, बट बिफोर दैट वील जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। ओके मनीष रीड ऑल दीज क्वेश्चंस। स्प्राखन हियोफ्लिशियस एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट इज हियोफ्लिशियस एक्सप्रेशन, पोलाइट बोलना बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या है, किस बात को पोलाइट बोलना समझते हैं वो। ओके स्वाई फला है क्या ये फालसन इंटोनेशन, फालसन इंटोनेशन का मतलब है अगर गलत तरीके से पढ़ने बोलने से क्या फर्क पड़ जाता है, टोन टोन मार्क्ड दी म्यूजिक, मतलब आपके टोन से भी फर्क पड़ता है ना ये राई इंटोनेशन। लाउचे है क्या ये, लाउचे है क्या ये लाइजस ओडर लाउटेस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दास एक्सप्रेशन है ना, इसलिए लाउटेस किया इन्होंने। ऑल द वर्ब्स एज ए नाउन आर ऑल द वर्ब्स कैपिटल बिकम्स नाउन, उनको एज ए नाउन यूज कर रहे हैं यहां पे एक्सप्रेशन हियोफ्लिशियस एक्सप्रेशन, क्योंकि वर्ब को एज ए नाउन यूज करते हैं तो आर्टिकल दास होता है। सो व्हाट इज मोर पोलाइट, जोर से बोलना या धीरे बोलना, किस चीज को पोलाइट माना जाता है। नेक्स्ट वी कान मान मिट कोली स्प्राक है, बोल दिया इसको क्योर पर स्प्राक है, वी कान मान मिट क्योर पर स्प्राक है इन डोइचलैंड हियोफ्लिश जाइन, बुडी लैंग्वेज से आप कैसे किसी को दिखा सकते हो कि आप पोलाइट हो। ओके इन वेल्सर स्प्राक है हो है स्टीमर जाट्स अनफांग हियोफ्लिश, कौन सी लैंग्वेज में अगर शुरुआत में थोड़ा सा हाई पिच करके बोलते हैं तो पोलाइट माना जाता है। आउटडोर सुम्सलूस मतलब फाइनली टिप क्या देता है ऑथर। ओके ऑथर किताब वगैरह जो लिखता है ऑथर किसका किसका इसका हाँ इसका किया था ना। ओके हियोफ्लिश ओके याद आ गया आपको हाँ किया था राइट। सो बट इंटरेस्टिंग है ये टेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग है कि हियोफ्लिशियस एक्सप्रेशन हाइस्ट इंडियन माइस्टन स्प्राखन दस मान बिटे उंट डंक जाक्ट उंट जिस्ट एंशुलडिक्ट, इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस इफ यू से थैंक यू वेलकम सॉरी ये सब वर्ड यूज करते हो आप, इट मीन्स यू आर ए पोलाइट पर्सन, भले आदमी हो, थैंक यू वेलकम बोलता है बात बात पे, हाँ तो आपको पॉजिटिव
फील आती है आपके बारे में. आवर ऑफ डोइच खनमन आउख एन जात स्मिट बिटे उन डंके उन हॉफलिश जाइन. कह रहे हैं कि जर्मन में बिटे और डंके से भी इम्पोलाइट भी हो सकते हो आप अगर आपका टोन ठीक नहीं है, है ना. थैंक यू बोलोगे तो थैंक यू प्यार से ही बोलना पड़ेगा, डंक है थैंक यू. तो आज में डर जाए ये कैसा थैंक यू था. सो ना सो दास कान आउख उन हॉफलिश जाइन एस कॉम्ट आउफ एस्कॉम्ट आउफ. ये फिक्स एक्सप्रेशन होता है एस्कॉम्ट आउफ ऑन अनकॉमन आउफ है ये मतलब इट डिपेंड्स. अनकॉमन आउफ का मतलब है टू डिपेंड ऑन. एस्कॉम्ट आउफ द इंटोनेशन ऑन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटोनेशन. मान खान आइनन जात थियोफ्लिश और उन हियोफ्लिश बिटोनन बिटोनन वो आप उसको पोलाइट और इम्पोलाइट टोन में सेंटेंस को बोल सकते हो. फ्रेंडलिश और अनफ्रेंडलिश friendly or unfriendly. Leises expression is meistens höflicher als lautes expression. धीरे बोलना mostly positive माना जाता है बजाय जोर से बोलने के लिए. Auch die Körpersprache kann man höflichkeit ausdrücken. Auch die Körpersprache आपकी जो body language है that also express politeness. Yes. Darf man dem dialog partner direct in the augen schauen? Should you see in eyes? बोलते टाइम आदमी के सामने वाले की आंख में देखना चाहिए क्या? तो so das ist in vielen Ländern unhöflich. बहुत सारे कंट्रीज में तो कहते हैं कि नीचे देखो, मतलब नीचे नहीं देखो, तुरंत एकदम आंख में मत देखो, है ना. जैसे अपने यहाँ पे हम लोग लेडीज लोग है ना खास तौर पे बड़ों से बात करते हैं तो वो उनको लगता है कि सामने ऐसे नहीं देखना, है ना. और लेडीज से बात करो तो आंखों में क्या आंखें डाल के बात कर रहा है ना. तो दैट इज सो वैसे नहीं मानते हैं अपने यहाँ पे. तो ये कल्चर टू कल्चर डिफर करता है. और जर्मनी में आंख में देख के ही बात करनी है, नहीं तो वो बुरा मान जाते हैं, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी बात सुनने में. सो दास इस्ट इन फिलन लंडन उन हॉफलिस इट इज इम्पोलाइट इन मेनी कंट्रीज. इन डॉयचलैंड जोल्टे मान अबरदस्त माखन बट इन जर्मनी आपको आंखों में ही देखना है बात करते टाइम. इन मानशन स्प्राखन शुम्बा स्पिल ऑफ इंग्लिश इस्ट आइन हो हस्तीमा अमजात सनफांग हॉफलिश. इन द बिगिनिंग इफ द हाई पिच इज देयर इन इंग्लिश देन इट इज पोलाइट. अम वेस्टर्न ईस्ट जी ह्यूरन गिनाउ सू बट द बेस्ट स्ट्रेटजी विल बी यू शुड लिसन पीपल केयरफुली उन बेओबाक्टन एंड यू ऑब्जर्व देम वी एस दी आंद्रन माखन. कैसे बाकी लोग करते हैं वैसे ही तुम शुरू हो जाओ. लोग अगर जूते बाहर खोल के जाते हैं तो तुम भी बाहर खोल के जाओ जूते, है ना. ये वाले जो रेडी मेटल भी दे रखा है इसमें, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए आपको. इसको यूज करेंगे हम लोग, कल हम लोग कुछ डायलॉग वगैरह करेंगे. सबसे पहले आपको होमवर्क दिया वो डिस्कस करेंगे एंड देन डायलॉग्स करेंगे हम लोग कुछ. सो ये पेज नंबर कौन सा है 165. इसके ये लिख लोगे तो आपको डायलॉग करने में इजी रहेगा जो कि हम कल करेंगे ना. या क्लार वे माखन यट्स निक्स आइगेंटलिश अवर दी फ्रागन दी वे गिराडे गिजेन हाबन जुल्स है फ्रागन मोमेंट. Was ist das Thema heute? Nach der Schule. Nach der Schule. Was habt ihr gemacht? Okay? Bitte schon, dann hören wir zuerst. Aber zuerst sehen Sie hier, dass wir gerade gelesen haben. Was ist in vielen Sprachen höfliches Expression? Dass man bitte und danke sagt und sich entschuldigt. Entschuldigt. Was passiert bei einer falschen Betonung oder Intonation? Man kann einen das Hoffisch oder Unhoffisch betonen. Okay, also das kann höflich und unhöflich sein. Betonung ka farak padte hi, das kann höflich oder unhöflich sein. Mit Betonung. Was ist oft höflicher, leises oder lautes expression? Leises. Leises expression. Dhire bolna polite, achha mana jata hai. Wie kann man mit Körpersprache in Deutschland höflich sein? How you can be polite with body language? Eye contact. Yeah.
बाई एक्सप्रेशन जोल्टमान इन औगन शाउन ओके सो ऐसे भी नहीं जो मैं बता रहा हूँ मतलब नॉर्मली देखना है ना ऐसे नहीं तो फिर तो देखेगा कि नॉर्मल आंखों में देख के बात करनी है आपको इन वेल्शर स्प्राक है ईस्ट आइन हो है स्टी में अम जात सानफांग योफ्लिश इन वेल्शर स्प्राक है इंग्लिश इंग्लिश स्प्राक है वेल्सर टिप गिफ्ट डेर आउटडोर फ्रॉम श्लूस फाइनली व्हाट इज द टिप ऑफ द ऑथर लास्ट लाइन नहीं भूल के बताओ यू शुड लिसन केयरफुली ऑन बेओबाक्टन एंड ऑब्जर्व हाउ अदर पीपल आर डूइंग दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी